नमस्कार, हवालात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अपराधियों के खौफनाक मंसूबों से करने आपको आगाह और बताने अपराध जगत की हर खास खबर, हम हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम लेकर हवालात। कोरबा के स्कूल के बाहर भेलपुरी बेचने वाला एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके बारे में किसी ने शायद ही सोचा होगा कि आदमी इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है, वो भी एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कि दिव्यांग है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसी वारदात दर्ज की गई जिसके बारे में सुनकर जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मी भी सकते मां गए, जहां एक अधेड़ उम्र का दरिंदा महज 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, वो भी उस बच्ची को जो बोल नहीं सकती। गनीमत यह रही कि कुछ युवकों की नजर पड़ गई, वरना उस मासूम को दरिंदा अपनी हवस का शिकार बना ही डालता। प्रकार के रहने वाले उसको एक लगातार कई व्यक्ति जिसका नाम संजूलाल कुमार है, वो व्यक्ति गलत नियत से उसको पकड़कर झाड़ी की तरफ ले जा रहा था। झाड़ियों में दो लड़के झाड़ी के पास में बैठे हुए थे, उनके द्वारा देखे जाने पर लड़की को बचाया गया और परिवार वालों को खबर के लिए परिवार वाले थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर धारा 354-323 माधवी द आर्ट पासपो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के उपरांत पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। पुलिस पार्टी रवाना होकर गवाहों के कथन उपरांत और आरोपी को पर्याप्त साक्ष मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आनंदी न्यायालय प्रस्तुत किया गया। दरअसल जिस हैवान संजू ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है, वो बच्चों के स्कूल से सामने भेल बेचता है। उस शैतान की गंदी नजर कई दिनों से उस मासूम पर थी। जैसे ही मौका मिला, आरोपी बच्ची को उठाकर अपने साथ झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। बच्ची दिव्यांग है और बोलने में सक्षम नहीं है, इसलिए मदद की पुकार भी नहीं लगा सकती। मगर किस्मत से उसी बात मौके से कुछ युवक गुजर रही जिन्होंने झाड़ियों को घेरते हुए देखा। शक होने पर युवक अंदर गए तो संजू को मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करते देखकर चौंक गए, लेकिन अगले ही पल युवक पूरा माजरा भाप गए और अधेड़ उम्र के संजू की जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 45 साल के आसपास की है और वो स्कूलों में जो बच्चों के स्कूलों में ठेला ठप्पर ठेला वाला जो भेल वगैरह लगाते हैं, इस तरीके का काम करता है और उसके विरुद्ध में मतलब मोहल्ले में जिससे बर्बाद चल रही थी थोड़ा सा इस प्रवृत्ति का ही व्यक्ति है। नाबालिग जो बच्ची है वो बोल नहीं पाती, बचपन से बोल नहीं पाती है और इसकी उम्र 10 वर्ष की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में केस दर्ज करके उसे 3 तलाक के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन इस घटना से इलाके के लोग सकते में हैं। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि कोई ऐसे मासूम बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने की जरूरत कैसे कर सकता है। लोगों ने बताया कि आरोपी कोरबा का रहने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ दूसरे शहर से आया है और बच्चों के स्कूल के बाहर खड़े होकर भेलपुरी बेचता है। उसे कई लोगों ने स्कूल के बाहर खड़े हुए देखा है, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि संजू जैसे अधेड़ उम्र का शख्स ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। हवालात के लिए कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट। इस वक्त इंतजार।